introduce yourself. So good afternoon all of you. Myself Ilmaraz of BA first year. Today I am here to represent all of you stages of socialization. Socialization is of four parts. The first is the oral stage. The second one is the anal stage. Or the third one is the puberty stage or the adolescence stage. And the fourth one is the adolescence stage. The first stage consists of three of the first stage is the primary identification of the child. It started when the child is born and continues up to 1 year. In this stage, the primary identification of the mother and the child is one. There is no identification of his child from her. मतलब अलग से उसकी कोई पहचान नहीं है जब तक वो एक साल का है. और इस स्टेज में बच्चा रोना सीखता है जिससे उसे पता है, मतलब अगर उसे खाना चाहिए तो वो रोएगा, उसके डायपर चेंज करना है तो वो रोएगा, क्योंकि वो ना तो बोल सकता है ना कुछ अपनी बातें समझा सकता है. तो वो रोने को ही अपना जरिया बनाता है अपनी बात को अपनी माँ तक पहुँचाने के लिए. ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है. ये वही जो आपने रोना सीखा है वो जिंदगी भर तक रोते रहते हैं क्योंकि आपने वही सीखा था. ये फर्स्ट मंथ से 1 ईयर तक रहता है. और जो हमारा सेकेंड स्टेज होता है वो स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक. इसमें बच्चा मतलब उसे पता है कि उसे साफ सफाई भी रखनी है और उसे मतलब थोड़ा बहुत वो बोलना सीख जाता है. जैसे उसे कपड़े चेंज कराना है तो अपनी मम्मा को बोलेगा वो, और उसे भूख लगेगी तो वो बोलेगा, पानी पीना होगा तो वो बोल सकता है थोड़े बहुत, मतलब अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकता है उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. और जिस स्टेज में वो खुद को समझता है, मतलब कि सिर्फ वो अपनी माँ के उस पर भरोसा नहीं रहता है, उसे कुछ चाहिए होता है तो वो खुद भी एक्सप्रेस करता है. मतलब पेरेंट्स तो उसे ध्यान रखते ही हैं, उसके अलावा वो खुद भी अपना ध्यान रखता है, थोड़ा वो बताता है अगर उसे कुछ चाहिए होगा. हमारा सेकेंड स्टेज होता है, ये अप टू 4 ईयर तक चलता है. और जो हमारा थर्ड स्टेज होता है वो होता है प्यूबर्टी स्टेज. वो अराउंड 12 to 13 एज से होता है और अप टू 18 एज जिसे हम कहते हैं. इसमें जो होता है बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बच्चों की बॉडीज़ में, उनको अपना सेक्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है. मतलब अगर लड़का है तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ वो लड़का है और लड़का क्यों है. ऐसे ही लड़कियाँ तो उन्हें अपनी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी पता चल जाती है. एडल्ट स्टेज, नेक्स्ट वन इज एडल्ट स्टेज. एडल्ट उसमें भी था थोड़ा सा, उसके बाद ओल्ड स्टेज होगा. हाँ बताइए. नहीं उसमें था एडियोपर. जो हमारा प्यूबर्टी स्टेज होता है इसमें गर्ल्स में जो होता है इलेक्ट्रो नाम का हार्मोन रिलीज होता है जिसमें वो अपने फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और मदर से मतलब थोड़ी जेलसी उसे लगता है कि वो उसे मतलब कनेक्शन नहीं होता है. मतलब गर्ल का उसके फादर के साथ और बॉय का उसके मदर के साथ होता है. तो बॉय का जो होता है उससे हम कहते हैं जो गर्ल्स वाला होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. और जो बॉय का डेवलप होता है हार्मोन उसे कहते हैं ओडीपस कॉम्प्लेक्स. एक्चुअली इलेक्ट्रा एक लड़की थी, ओडीपस एक लड़का था. तो एक लड़की थी इलेक्ट्रा, तो उसको अपने पिताजी से ज़्यादा प्रेम था. तो ये कहा जाता है कि अपोजिट सेक्स से ना प्रेम अट्रैक्शन जो है ना परिवार में ही शुरू हो जाता है. तो इसलिए लड़के को अपनी माँ से मोहब्बत होती है ज़्यादा और लड़की को पापा से, बिकॉज ऑफ अपोजिट सेक्स. ठीक है. द लास्ट वन इज द एडोलेसेंस स्टेज. ये स्टेज हमारा टीनेज के बाद, जहाँ हमारी टीनेज खत्म होती है मतलब 19 के बाद से स्टार्ट हो जाता है. उसमें हमें पता है कि हमें पढ़ना भी है, अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करनी है, हमें कुछ करना भी है अपने लाइफ में, हमें अपना पार्टनर भी चूज़ करना है. इसमें हमारे पास पेरेंट्स का बहुत कम रोक टोक होता है. मतलब हम सेल्फ कंट्रोल करना चाहते हैं खुद को, हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई कंट्रोल करे, हम अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं. जैसे कि हमें पढ़ना क्या है, हमारी चॉइस क्या है, हमें जॉब कैसे करनी है, हमें लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, हमें रहना कहाँ है और किसके साथ रहना है, ये सब हम उसमें देखते हैं. और इसके बाद हमारा लास्ट स्टेज होता है अडल्ट स्टेज. मतलब 30 मतलब जो हमारे यंग जनरेशन है उनके पेरेंट्स वो इस उसमें आते हैं ग्रुप में. मतलब जिनकी एज 35 40 45 से अबव होती है, और मतलब जिन यूजुअली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब उनके बच्चे भी हैं और उनके पोता पोती भी हैं, तो वो अडल्ट सोशलाइजेशन में आते हैं. इस टाइम उन्हें थोड़ी ज़्यादा केयर चाहिए. नहीं असल में इसमें क्या है, देखिए ये है प्राइमरी सोशलाइजेशन जो आप बता रहे हैं, ओरल एनल एडिपल एंड एडोलेसेंस और एडल्ट स्टेज. वो होता है ओल्ड सोशलाइजेशन. ओल्ड स्टेज अलग है.
तो आप ठीक बोल रही हैं, बहुत हद तक आपने बहुत बेहतरीन आपने किया है। और बताएंगे एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कुछ? तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा इल्मा का, और आप सब ने अच्छा परफॉर्म किया है आज। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास ना हीरा तरश तरश के सामने, देन एंड देन यू विल सर्वाइव एंड यू विल गेट मोटिवेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड सर्वाइवल ऑफ द फिट टेस्ट। आपने वो फार्मूला जानते हैं ना, सर्वाइव आप करोगे, धीरे धीरे आप फिट होते जाओगे और एक दिन आप बहुत स्मार्ट हो जाओगे। और एक चीज़ जान लो, आपकी पर्सनालिटी का एक्सपोजर सबसे ज़्यादा यही है। अगर आपने पूरे क्लास में, मतलब पूरे 3 साल में एक बार प्रेजेंटेशन दिया है या 5 बार दिया है, तो वही आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है। उतार के लिख के कोई भी लेके आ जाएगा वो ज़ीरो है, समझ में आ रही बात? यहीं से आप उभरते हैं। तो बहुत बेहतरीन है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वन इज, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। हाँ नमस्ते, मेरा नाम पूनम है, मैं BA फर्स्ट सेम की छात्रा हूँ। मैं सोशियोलॉजी के बारे में बोलूँगी। सोशियोलॉजी एक सामाजिक संबंधों का जाल है। इसके पिता अगस्त कॉम्टे थे, जिनका जन्म 19 जनवरी 1798 में हुआ था। इन्होंने सोशियोलॉजी दो भाषाओं से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के लोकस और ग्रीक भाषा के लोकस सोशियस। लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोकस सबसे लिया गया है। सोशियोलॉजी का पहला नाम सामाजिक भौतिकी था। वेरी गुड। सोशल फिजिक्स जिसको बोलेंगे इंग्लिश में। तो फिर बाद में सोशियोलॉजी क्यों रख दिया? बाद में अगस्त कॉम्टे ने बाद में 1838 को इसका नाम बदलकर सोशियोलॉजी रख दिया। वेरी गुड। आपको समझ में आई अगस्त कॉम्टे की पैदाइश? क्या बोला इन्होंने, बिल्कुल सही बोला, 1798 में होती है और उनकी मृत्यु 1857 में। जब भारत में 1857 की क्रांति चलती होती है तो वो मर जाते हैं, तब तक सोशियोलॉजी हो चुका होता है। 1838 में सोशियोलॉजी का इमरजेंस होता है। वाह। नेक्स्ट, व्हाट वी स्टडी इन सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी में हम सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं, परिवार, समूह आदि समितियों का अध्ययन करते हैं। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, ताली बजा दीजिए। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंजलि फ्रॉम BA फर्स्ट सेम। मैं आज आपको समिति के बारे में बताना चाहती हूँ। समिति में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, निश्चित उद्देश्य होता है, समिति में नियम भी होता है। समिति में उद्देश्य पूरा होने पर समिति टूट जाती है या समाप्त हो जाती है। और एग्जांपल भी बताइए। एग्जांपल जैसे नियम होता है तो क्या नियम होता है, कुछ एग्जांपल भी बताइए, कैसे कैसे होता है, नियम कैसे काम करता है। एकदम आप सही बताया है। समिति में मूर्तता होती है। मूर्तता का मतलब बता दीजिए। मतलब समिति को हम देख सकते हैं। जैसे क्रिकेट टीम है, जैसे क्रिकेट टीम हो गई, जैसे तुम सब लोग हो उसको देख सकते हैं। विद्यार्थियों का समूह हो गया। और समिति में सहयोग की भावना होती है। वेरी गुड। समिति में अस्थायी स्वभाव भी पाया जाता है। हाँ। ठीक है, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। थोड़ा इसको ऐसा है कि अच्छा है परफॉर्मेंस पॉइंट वाइज, बट थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। कि जैसे मान लो कि समिति में नियम होता है, तो थोड़ा उसमें नियम क्या होता है कि भाई एक साथ रहते हैं तो नियम से कॉलेज आते हैं, सारा काम नियम से हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी है कॉलेज में तुम रात में आ गए 8 बजे, चलो यार अभी मन नहीं लग रहा है, चलो कॉलेज 12 बजे रात में, वहाँ पढ़ाई करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो नियम है, जैसे उसी तरह परिवार में भी नियम है, बिना नियम के परिवार भी नहीं चल रहा है, लेकिन सारी चीज़ें वहाँ मौखिक है, यहाँ लिखित है। परिवार में नियम है कि खाना जो है ना 9 बजे रात में ही खाना है, 10 बजे, ऐसा नहीं कि 2 बजे उठ करके कोई खाना खा रहा है। अगर आप में से कोई 2 बजे उठ करके मम्मी को बोले कि अब नाश्ता बनाओ सुबह का, मुझे भूख लग गई, तो क्या होगा? तो हर जगह नियम काम करता है। पिता सबसे बड़ा होता है, बड़ा पद होता है परिवार में। अगर दादाजी हैं तो वो पद और बड़ा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं किस दिन बेटा बोलेगा नहीं अब मेरी चलेगी, पिता माता सब तुम लोग
मेरे अनुसार काम करोगे, तो वहाँ पे नियम काम कर रहा है, कौन किसका सम्मान करेगा, है कि नहीं? चलिए ठीक है, वेरी गुड, ताली बजा दीजिए, बहुत बेहतरीन। आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, माई नेम इज़ अंजलि पटवाल एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ बी ए फर्स्ट सेम। आई प्रिपेयर अ टॉपिक सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इन अ सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट वी स्टडी अबाउट अ सोसाइटी। इसको हटा देते ना मास्क को, हाँ ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सोसाइटी। द वर्ड सोसाइटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड सोसाइटस व्हिच मींस टू सर्व फ्रेंडशिप। In a society, there is a mutual awareness, mutual interaction, and same feeling about among the peoples of individual or group. The basic language of society is a web of social relationship. The main characteristic of society is a web of social relations. ऐसे web है ना, तो बताओ web। हाँ तो आगे करो ना, हाँ web of social। अब बोलो society is the web of, ऐसे बोलो Society is the web of social relationship. Ah, very good. And the nature of society. In a society, there is mutual interaction among the peoples and mutual likeness among the peoples. And in a society, people like each other and each and follow their cultures with among the feeling of friendship. Yes, mutual understanding in the society. Bolo. There is a mutual understanding in the society. And yes. Now we talk about a community. Community is a group. Community is a local area over which people use the same language and follow same culture. Example of community is just like Sikh community, Muslim community. In this community, people follow same culture and use same languages. These are the main definition of community. Now, can you tell me the characteristic of community? In community, the people having we feeling among each other. People have we feeling and they are living in a definite area. Understand? So that it is not necessary that all Muslims are living in the same area. So here I would like to correct you that Muslims are not in same community. Here the meaning of community is different in sociology. It is concept. सपोज जैसे फिजिक्स में है, तो फिजिक्स में एनर्जी, फोर्स, पावर, ये तीन चीज़ अलग अलग होती है, लेकिन आम आदमी के लिए एक ही चीज़ है। जैसे मान लो भैंस चरा रहा है, उसने कभी स्कूल देखा ही नहीं, तो क्या किसी ने उसको एक थप्पड़ मार दिया तो क्या बोलेगा? अरे भाई बहुत एनर्जी है इसको। दूसरा भैंस वाला वो चरा रहा है, उसने भी कभी नहीं स्कूल कॉलेज देखा है, बोलेगा बहुत पावर है यार। तीसरा भैंस वाला क्या बोलेगा? बहुत फोर्स है भाई। लेकिन फिजिक्स में ये तीनों अलग अलग चीज़ है। इन द सेम वे कम्युनिटी का मीनिंग सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया में एक है, लेकिन जो बात आप मुस्लिम कम्युनिटी एज ए हिंदू कम्युनिटी बोल रहे हो, दे आर डिफरेंट। दैट इज द जनरल लैंग्वेज। अंडरस्टैंड? कम्युनिटी का मतलब एक एरिया में जो लोग रहते हैं उसको कम्युनिटी कहते हैं। समझ में आई बात? वो मुस्लिम हो भी सकते हैं, सारे हिंदू हो भी सकते हैं, लेकिन एक एरिया में खाली मुस्लिम नहीं रहते हैं, ये डिफिनिट नहीं है। एक एरिया में, जैसे एक एरिया है भानिया वाला, कौन कौन लोग रहते हैं? सारे लोग रहते हैं। एक एरिया है डोई वाला, किसी एक एरिया में एक ही समुदाय के लोग रहते हो, ऐसा कोई जरूरी, इसलिए मैंने इसको करेक्ट किया। एक बात और है कि ये प्रेजेंटेशन है, तो आप सब लोग ये बताएंगे कि इनका प्रेजेंटेशन कैसा है कॉमेंट में। वजह क्या है कि जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, वो इसको जज भी करेंगे कि कितना सही है कितना गलत है, उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट प्रेजेंट कर रही है, तो हो सकता है कुछ बातें गलत भी हो, लेकिन आपका अपना मिसकंसेप्शन नहीं पालना है। तो बहुत बेहतरीन, वेरी गुड, ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छा था आपका परफॉर्मेंस है। और नेक्स्ट वेलकम, नेक्स्ट वन ये आप परिचय दीजिए। क्लास, मेरा नाम पूजा है, मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और आज का मेरा टॉपिक है परिवार, फैमिली। समाज के लिए परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है, परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। तो जो एक व्यक्ति समाजशास्त्री हैं एल्मर, उन्होंने परिवार को कहा है कि परिवार लैटिन भाषा के फैमुलस से बना है, जिसका अर्थ दास या नौकर होता है। और मेकाइबर और पेज हैं, उन्हीं सभ्योम संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों का लालन पालन और उनके जन्म देता है।
और परिवार के कुछ प्रकार हैं, जैसे परिवार का आकार क्या, दो आकार के हैं, सीमित और व्यापक। सीमित जो छोटा परिवार, और व्यापक बहुत बड़ा परिवार। और वंश के आधार पर, वंश के आधार पर भी परिवार को दो भागों में विभाजित किया गया है, पितृवंशीय और मातृवंशीय। पितृवंशीय वो जिसमें पिता की वंश चलता हो, जिसमें पिता के बाद घर की सत्ता भी उसके पुत्र को ही आएगी। और मातृवंशीय वो जिसमें माँ का वंश चलता हो और परिवार में के बाद भी सत्ता माँ की बेटी के ही हाथ में आएगी। और दूसरा है सत्ता के आधार पर, सत्ता के आधार पर भी परिवार को दो भागों में विभाजित किया गया, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक तो वे जिस घर में माता द्वारा घर चलाया जाता हो, जिसमें माता की सत्ता हो, और पितृसत्तात्मक वे जिसमें पिता की सत्ता हो, सारे कामकाज जो हैं वो पिता के अधिकार में होते हों, उनकी देख रेख में होते हों। और एक है विवाह के आधार पर, बहुविवाह और एकल विवाह। एकल विवाह, एकल विवाह वो जिसमें एक पति या एक पत्नी होते हैं। हाँ। और बहुविवाह जिसमें एक से अधिक पत्नी हो सकती है और एक से अधिक पति हो सकते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, बहुपति और बहुपत्नी। बहुपति वो जिसमें एक औरत के दो या अधिक पति हो, और बहुपत्नी जिसमें एक आदमी के दो या अधिक पति हो। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत बेहतरीन, अच्छा रहा आपका। मेरा नाम बुसरा और मैं फर्स्ट सेमेस्टर की। हाँ, जोर से। और मैं सोशियोलॉजी के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा टॉपिक है समुदाय क्या है और उसकी विशेषताएं। समुदाय में सब एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं और समुदाय में सब साथ साथ रहते हैं और उसकी विशेषताएं। समुदाय अस्थाई, हम की भावना, समुदाय स्थाई है, समुदाय मूर्त है। एक हाथ से ऐसे बोलिए भी। हाँ, मूर्त है, मतलब उसका क्या है? रीति रिवाज। और सर, रीति रिवाज का मतलब ये होता है कि कुछ रीति रिवाज होता है समुदाय, कुछ रीति रिवाज होता है सोसाइटी में। और जैसे एक दूसरे के यहाँ जाते हैं तो चाय पिलाते हैं, जैसे किसी के यहाँ जाते हैं तो भाई बाल झाड़ के जाते हैं, न तो कोई आपको बोल दे कि भाई ये पागल कौन आ गई है बिना बाल झाड़े, मतलब रीति रिवाज है ना, तौर तरीके है। कपड़ा पहन के जाते हैं किसी के यहाँ भी, ठीक है, आप अच्छे से सलाम नमस्ते करते हैं, ये सब रीति रिवाज है। और जब आप जाते हैं उसके यहाँ तो वो क्या करता है? चाय पिलाता है। अगर नहीं पिलाएगा तो आप बहुत बुरा मानेंगे, अरे चाय तक नहीं, अब कभी नहीं जाना, होता है कि नहीं? तो आपका इंसल्ट होगा एक तरह से अगर वो चाय नहीं पिलाता। तो रीति रिवाज है ना, इसलिए उस रीति रिवाज को चलाना है, टूटना नहीं चाहिए। अगर मान लो, हाँ बढ़िया, आगे ठीक है। समुदाय में व्यक्तियों का समूह होता है। आप भी बताइए। हाँ, व्यक्तियों का समूह होता है। द्वितीय समूह वो तो होता है सर गांव, और तृतीय समूह होता है शहर। हो गया, वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कम, ये परिचय दीजिए अपना। हेलो सर, मेरा नाम चंचल है और मैं आपको परिवार के बारे में बताना चाहती हूँ। परिवार हमारे समाज के केंद्र का ही होते हैं। परिवार में हम ये सीखते हैं कि हम बोलना और रहना, और हमारे जो संस्कार होते हैं हमारे परिवार से ही आते हैं। और परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकांकी परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। एकांकी परिवार में आते हैं हमारे माता पिता, आगे रखना है, माता पिता, भाई बहन, क्या काम है परिवार का, कैसे कैसे होता है, प्रकार बता रही हैं आप, काम भी बता दीजिए। परिवार क्या करता है? परिवार आपको खाना पीना देता है, कपड़ा देता है, ये परिवार का काम है। परिवार आपको स्कूल भेजता है, शिक्षा का काम है, हाँ बेसिक नेसेसिटी भी है, आपका पूरा करता है। आप बोलिए, प्रोसीड। सर मैंने नातेदारी के बारे में। हाँ? नातेदारी के बारे में। हाँ तो बताइए, नातेदारी बताइए। नातेदारी में हमारे रिश्ते नाते आते हैं, उसमें हमारे रिश्तेदार भी आते हैं। और नातेदारी दो प्रकार की होती है, एक होती है रक्त संबंध नातेदारी, एक होती है विवाह संबंध नातेदारी। रक्त संबंध नातेदारी में हमारे आते हैं माता पिता, भाई बहन और दादा दादी। और जो होता है हमारे जो विवाह संबंध नातेदारी होती है उसमें आते हैं हमारे
हमारे मतलब जो रिश्तेदार होते हैं ना उसमें आते हैं हमारे दादा दादी चाचा चाची मामा मामी दादा मौसी मौसा भाभी भैया मतलब सारे रिश्तेदार आते हैं हमारे उसमें विवाह संबंध आते आते हैं। विवाह संबंध में दादा दादी भी आएंगे। अच्छा खैर ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि आप सब वीडियो देखेंगे तो फिर एक दूसरे का कमेंट करेंगे कितना सही बोला, ठीक है? तो आप बताएंगे कि इन्होंने कितना कितनी बातें सही बोली है। हाँ आगे बोलिए। और नातेदार क्या करता है, नातेदार क्या करता है आपके लिए? हाँ रिलेटिव का क्या काम है आपके लिए? हाँ आलोचना करना। रिलेटिव क्या करता है? चाचा चाची मामा नाना दूर दूर के रिश्तेदार आपके लिए क्या करते हैं? ये सवाल आप सब से है, आप सोच करके कमेंट में जरूर लिखिएगा रिलेटिव्स क्या करते हैं। ये एकदम मतलब दिमाग खोलने वाला है। आज तक आपने सोचा नहीं रिलेटिव होते क्यों हैं? ठीक है, वेरी गुड, ताली बजा दो एक बार, अच्छा है इसका परफॉर्मेंस। नहीं नहीं बैठना है, प्लीज सिट, अभी बैठो। हाँ संस्कृति में होती है जैसे हमारा उठना बैठना खाना पीना ये सब कुछ संस्कृत में आता है। संस्कृत में हमारे चार वर्ण होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास, और जो ब्राह्मण होते हैं वो अपर कास्ट के होते हैं और जो क्षत्रिय होते हैं वो सौ जगह का काम करते हैं और जो और संस्कृति होती है जैसे कि जो अंग्रेज लोग हैं वो हमारे कल्चर को अपना रहे हैं और वो खाना पी उठना बैठना खाना पीना उनका ड्रेसअप ये सब कुछ होता है। वेरी गुड, अरे ताली तो बजाओ जोश के साथ, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय सेल्फ खुशबू एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ बीए फर्स्ट सेमेस्टर। टुडे आई एम हेयर टू टॉक अबाउट व्हाट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन सोसाइटी। सोशियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन Sociologists investigate the group of structure of groups, organization and human society, how people interact within these context. Example of sociology, the relationship between culture and society. Examine how human behavior affect each other. What you want to say? Actually, it is not very clear. You can say in Hindi. आप हिंदी तो बोलती होंगी ना? तो बता दीजिए क्या बोलना चाहती है? सोशियोलॉजी क्या है? जैसे क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और डेवलपमेंट और मानव विकास का अध्ययन करता है। दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चर का स्टडी करता है, सोसाइटी का स्टडी करता है, कम्युनिटी का, एसोसिएशन का, इंस्टीट्यूशन का, ठीक है? और हु इज फादर ऑफ सोशियोलॉजी? ऑगस्ट कॉम्ट। कब सोशियोलॉजी का डिस्कवरी कब हुआ, कब उन्होंने नाम दिया सोशियोलॉजी? 1838 को, ठीक है? 1800, यही आप लोग गलत करते हो, आप कहीं किसी किताब से नोट कर रहे हो। दैट इज़ आई एम टेलिंग यू कि यू हैव टू लिसन द लेक्चर फर्स्ट। ये जो मिस्टेक तुम करते जा रहे हो ना, तो ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में चिपक जाता है, फिर तुम नेट के लिए या किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे ना तो वो हमेशा वही रह जाएगा। तो वो एक मिस्टेक है जो हर किताब में लिखी हुई है। 1838, ठीक है? राइट आंसर इज 1838। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग, देर आर लॉट्स ऑफ बुक इन द मार्केट, यू हैव टू टेक ओनली दोज बुक दैट इज ऑथेंटिक ना, इसलिए तो सिलेक्शन ज़रूरी है ना। तो टीचर का रोल तो यही है ना, अगर हर चीज़ किताब से हो जाता तो टीचर कौन कहेगा कि कौन सी किताब सही है और कौन सी किताब गलत है? तो इसीलिए कहा जाता है कि वीडियो को आप सही से सुन लीजिए, क्योंकि एक टीचर ने अपने आप में उस एरिया का 10 किताब 20 किताब होता है, वो इस किताब का आपको कंक्लूजन देता है, ठीक है? तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है आपका। नेक्स्ट वन इज़
इंट्रोडक्शन दो। हाँ गुड आफ्टरनून क्लास, माई सेल्फ रितिका भवगुणा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ बीए फर्स्ट सेमेस्टर। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी। व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज अ साइंस दैट फोकसेस सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर, पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन, ठीक है बोलो, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंट्रैक्शन एंड एक्सेप्ट ऑफ कल्चर एसोसिएटेड विद एवरीडे लाइफ। मोस्ट सिंपली पुट, सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सोसाइटी। साइंटिफिक स्टडी क्या होता है? हाँ जी, साइंटिफिक स्टडी क्या होता है? जैसे कोई लेक्चर होता है ना, प्रेजेंटेशन, तो सामने से काउंटर क्वेश्चन भी आता है, जैसे वो भी उसका एक पार्ट होता है। तो साइंटिफिक स्टडी क्या होता है सर? इट इज बेसिकली मेन फोकस इज सोशियोलॉजी, मेन फोकस इज ऑन द सोसाइटी, सोसाइटी कल्चर, सोसाइटी बिहेवियर एंड हाउ सोसाइटी वर्क्स, हाउ सोसाइटी रन्स। ठीक है, तो सोसाइटी का स्टडी सोशियोलॉजी करता है। इज दिस राइट और रॉन्ग, यू हैव टू से इन द कॉमेंट बॉक्स। ओके, वेरी गुड रितिका। उसका गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ मनीषा चौहान एंड आई गिव यू प्रेजेंटेशन ऑन कम्युनिटी। व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य होता है और समुदाय व्यक्ति के जीवन में उसका बहुत महत्व होता है, समुदाय का। Yes, yes. Proceed. समुदाय क्या बताओ? समुदाय खुद ही संगठित नहीं होता। कम्युनिटी का समुदाय की विशेषता बताओ। एक चीज़ आप लोग अच्छे से जान लो, मैं इसी में बता देता हूँ। जब आप कोई चीज़ बोलते हो ना, कहीं लेक्चर देते हो, अब मान लो आपने चार पेज याद किया है, शुरू का तीन पेज भूल गए, तो दुनिया थोड़ी जानती है कि तुम कौन चीज याद की हो। चौथे पेज से शुरू करो, ठीक है, चौथे को पहला पेज बना लो, ठीक है, और फिर बीच में याद आए तो वहाँ से शुरू हो, और पूरे कॉन्फिडेंस से चौथा पेज निष्कर्ष बोल दो पहले, तो और तुम हीट कर जाओगे। तो जहाँ से याद होता है ना, वहीं से बोलो, क्योंकि तुम याद किए हो तो तुमको लग रहा है ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है, लेकिन उनको थोड़ी पता है जो ऑडियंस है। तो तुम जहां से शुरू करोगे ना, वो पहला हो जाएगा। कम्युनिटी दो शब्द से मिलकर बना रहे हैं, कम और म्यूनिश। कम का अर्थ होता है टुगेदर, मतलब एक साथ, और म्यूनिश का अर्थ होता है टू सर्व, एक साथ, उसका पूरा अर्थ हो गया एक साथ सेवा करना, टू सर्व टुगेदर। इसमें परस्पर, यस यस प्रोसीड। हाँ, एक साथ मिलजुल कर जब रहते हैं तो कम्युनिटी होती है। तो एक साथ मिलजुल कर रहने से क्या होता है, हम की भावना होती है, क्या होता है, हम की वी फीलिंग होती है। जब एक साथ रहेंगे तो एक साथ जैसा फील होगा। समुदाय की विशेषताएं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, समुदाय में एक समुदाय एक व्यक्ति से नहीं बनता, उसके लिए व्यक्तियों की आवश्यकता मतलब एक साथ होने की वो पड़ती है। तो ठीक है, नहीं ठीक है तुम्हारा। देखो टेक्निक क्या है, जहाँ से भूले जो याद आ रहा, मतलब मारते चले जाओ, रुकना नहीं है। आपने देखा आर्मी जब गन चलाती है, तो मान लो गन नहीं चल रहा तो क्या करेगा, चलाती जाएगा धाएं धाएं, अब बीच में एक गोली काम नहीं किया, इसका मतलब थोड़ी ही रुक जाओगे। समझ गए, प्रोसीड। तो जल्दी जल्दी पॉइंट बता दो, बहुत अच्छा था आपका। और सेकंड में आता है हमारा वी फीलिंग होती है, समुदाय में वो वी फीलिंग पाई जाती है, और वो उसमें ठीक है, वेरी गुड, ताली बजा दीजिए इनके लिए, बहुत बेहतरीन।